तो दोस्त होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं दोस्त, दूसरे होते हैं खास दोस्त। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे खराब समय में आते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हें वहाँ से निकालते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरे होते हैं खास दोस्त, ये तुम्हारे ठीक ठाक समय में आते हैं, तुम्हें वहाँ से निकालते हैं और ऐसी मुसीबत में डाल के चले जाते हैं। तो मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसमें यही है कि दोस्त कैसे नहीं बनाने। तुमने ना एक लाइन सुनी होगी कि एक दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होती है जो हम चूज कर सकते हैं, है ना, बाकी सब रिश्ते थोप दिए जाते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, उसने बाप को देखा, उसका मूड खराब कि बच्चो ये बाप है मेरा। बाप ने बच्चे को देखा, पूरे परिवार का मूड खराब, ये बच्चा बस आपकी मौजी है, ये बच्चो नाक कहाँ है इसकी। तो मुझे लगता है जब हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम दोस्त चूज कर सकते हैं, तो हम अच्छे ना चूज कर ले, जो पॉजिटिव रहे, जो खुश रहे, खुश ऐसे सेंसिबल, ये नहीं बिना बात के खुश घूम रहा। मेरा एक दोस्त है बिना बात के खुश घूमता है बेंच, मेरे को इरिटेशन ही इसी बात से, तो खुश क्यों है, कुछ होने तो दे। ये दीवार पे लिखा हुआ देखेगा ना, बावासीर का इलाज एक टीके में जड़ से खत्म, ये पढ़ रहा है खुश है। मैं तू क्यों खुश है, तुझे तो है भी नहीं। कहता दुनिया में कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। मैंने कहा यही पॉजिटिविटी नहीं चाहिए मुझे। तो दोस्त होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं दोस्त, दूसरे होते हैं खास दोस्त। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे खराब समय में आते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हें वहाँ से निकालते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरे होते हैं खास दोस्त, ये तुम्हारे ठीक ठाक समय में आते हैं, तुम्हें वहाँ से निकालते हैं और ऐसी मुसीबत में डाल के चले जाते हैं। कि किसी का बाप नहीं बचा सकता तुम्हें वहां से। तो मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं उसमें यही है कि दोस्त कैसे नहीं बनाने। मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था, मैथ्स के ट्यूशन लेते थे, तो मैथ्स के ट्यूशन में मुझे नहीं पता था आगे नहीं बैठते, ये साले टीचर एक्स की वैल्यू पूछ लेते हैं इन्हें, भाई दुनिया में कुछ नहीं जानना, इनको एक्स की वैल्यू बता दो। मैं आगे बैठा हूं, मुझे कह रहा है एक्स की वैल्यू, मैंने कहा जीरो। कहता मैथ्स नहीं आती, मैंने कहा नहीं, एक्स के धोखे याद आते मुझे। कहता बुक में देख के बता, मैंने बुक में चाहे कुछ भी हो मेरी नजर में हमेशा जीरो रहेगी और मैं बढ़ने भी नहीं दूंगा इसको। कहता है जीरो। कहता है हीरो पीछे जाके बैठ। अब मैं पीछे जाके बैठा ना, वहां एक अच्छी चीज थी, वहां पर एक लड़की बैठी होती थी नीलिमा नाम की, और हम लड़कों में एक बहुत गंदा कीड़ा होता है, हमें लगता है कि बस लड़कियों के साथ सामने जितना अच्छा बन सकते हो ना उतने अच्छे बन जाओ। मैं उसके पास गया हूं, मैंने कहा चल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं, मैंने कहा हाय नीलिमा, माय नेम इज विजय चौधरी। मुझे कहती है मराली गांड। इस लाइन का यहां क्या मतलब है? कहती है नहीं, जब तेरे में क्वालिटी आई बैक बेंचर वाली है तो आगे कैसी तैसी कराने गया था। मैंने कहा ओ ये तो तारीफ है, मुझे महसूस तो करने दे। और ये लड़की ऐसी थी, मैं तुम्हें बता देता हूं, लड़की के बारे में कहा था सुंदर, सुशील और समझदार, तीनों में से ये कुछ नहीं थी भाई, ये प्रॉपर बैक बेंचर थी यार। बैक बेंचर लड़कियां देखी है, ये जैसे नॉर्मल लड़कियां होती है ना, बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को देख ले तो नाराज हो जाती हैं, ये हो सकता है तुम्हें ठुड मार के बोले देख माल जा रहा है। वो ऐसी नहीं थी, ओ माई गॉड विजय समसॉल्व नहीं हो रहा, वो ऐसी थी बेंच समसॉल्व क्यों नहीं हो रहा यार, हमारी गांड फट जाती थी, हम सम से बात करें सॉल्व क्यों नहीं हो रहा तू, क्या साले यही तो काम है तेरा। अब सोचो ऐसी लड़की का बॉयफ्रेंड होगा तो कितना खतरनाक होगा। अब हमारे बीच में ना व्यवहार बन गया, हम पीछे बैठ के बात करने लग गए, मैं चुटकुली सुना रहा हूँ, दो वो सुना रही है, चार मैं सुना रहा हूँ, हर सी ठिटोली चल रही है। अब उसके बॉयफ्रेंड ने हमें बात करते हुए देख लिया, उसको लगा मैं लाइन मार रहा हूँ। अब भाई अगर तेरे को कुछ डाउट है, गलत फहमी है, तू पूछ ले, बात कर ले ना। तीन लड़के लेके नीचे मारने के लिए खड़ा हो गया। और भाई ये चारों अलग अलग धर्म के,
मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसने दोस्त बनाए कि खरीदे। हाँ, इसका नाम बंटी सरदार है, दूसरा रमेश, तीसरा इमरान, चौथा जोसेफ। पूरा हिंदुस्तान एक लड़की के चक्कर में मुझे मारने के लिए नीचे खड़ा हुआ है। अब मैं नीचे गया हूं, मुझसे कह रहा बंटी, कह रहा सुन विजय, आज के बाद तू नीलिमा से बात नहीं करेगा, नीलिमा तेरी भाभी है। मैंने कहा वो तो ठीक है, तुम चारों में से मेरा भाई है कौन? मैं जो क्लियर तो कर लो, मैं पिटू भी सस्पेंस में भी रहूं। अबे पीटना बता तो दे। अब इतनी देर में है ना, मेरा एक दोस्त था नीरज, वो आ गया। अब उसके आने पे उनकी फटनी चाहिए थी, लेकिन मेरी फट रही थी। इसने कभी मदद करके मुझे मुसीबत से नहीं निकाला। ये अचानक आया, भाई ये बाइकर है, बाइक चलाता है, बड़ा शौक है इसको। पर मैं नीरज के बारे में बता दूं, इसको कोई हाँ कहने वाला नहीं मिल रहा है। ये बाइक पे चेन स्नैच करने निकल पड़े, ये अकेले बड़ी मुश्किल होती है, चेन स्नैच करो फिर बाइक चलाओ खुद, हो नहीं पाता भाई, नहीं हो पाता। मैं ट्राई कर, हो नहीं पाता, बहुत मुश्किल काम। अभी अचानक आया, इसने देखा चार लोग मुझे घेर के खड़े हुए हैं। ये आया, इसने ना अचानक स्टॉपी मारी है। स्टॉपी समझते हो? जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, स्टॉपी होती है बाइक का म्यूर आसन। ये पीछे से उठा देते हैं बिना बात के। इसने देखा चार लोग खड़े हुए हैं, इसने स्टाइल में बाइक का स्टैंड लगाया, स्टाइल में बाइक खड़ी करी है और घूम के आके कह रहा विजय क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं है, मारने के लिए खड़े हुए। कहता कौन सा हाथ लगाएगा, जरा मार के दिखाइयो। मैंने मार देंगे वो, मैं साले तू अचानक आया, वो तो प्लानिंग करके आए हैं। अरे वेंच पिटवाएगा क्या? कहता ऐसे कैसे मार देंगे, साथ में लड़का खड़ा होता उसके चांटा मार दिया इसने। अब बंटी को कह रहा अब पता चला जब दोस्त के चांटा लगता है तो कैसा लगता है। कहता नहीं, मेरा दोस्त है ही नहीं वो। कहता वो तो शायद लड़ाई देखने के रुका हुआ था। मैंने मुझे पागल है क्या तू? कह रहा मेरे साथ तो ये तीन है। बंटी कह रहा मेरे तीन कहाँ गए? इधर से बंटी भी गायब। अब जिसके चाटा मारा था उसने चार बुला लिए। अब वो इसे कुत्ते की तरह मार रहे। अच्छा मेरी लड़ाई है, मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपनी लड़ाई में मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं। वही एक चांटा मार दे मुझे बस। तो ऐसे पिट रहा था ये, बहुत कुत्ते की तरह मारा भाई इसको, ठीक है। इसने बीच में लड़ाई में जब पिट लिया ना तो बाल सवारते हुए आया। कहता भाई एक मिनट रुक जाओ। कहता एक बात बताओ यार, तुम इतने सारे लोग मिलके मार रहे हो मुझे, कह रहा मुझे भी तो दोस्त बुलाने दो। उस सामने वाला था, कहता चल मिला फोन। तो इसने फोन मिलाया, इसने देखा फोन में बैलेंस ही नहीं है। कहता बहन जो दिन ही खराब है। कहता मार ही लो यार तुम। ये अपने आप को ढक के बैठ गया। तो सामने जो लड़के आए थे वो अच्छे थे, इज्जतदार जिसे बोलते हैं। कहता भाई अगर तेरे को इतनी तड़ी है ना, तेरा इतना ही बैकअप है, इतने ही दोस्त स्ट्रांग है तेरे, कह रहा ले मेरा फोन। कहता मिला अपने दोस्तों को बुला ले, देखे हम भी जरा कौन बचाता है तुझे। चूतिया उनका फोन लेके मुझे ही फोन मिला रहा है। मैं फोन देगा मेरी गांठ फटी। मैंने कहा हेलो। कहता विजय देख क्या रहा यार, मुझे बचा तो सही। मैंने कहा भाई देख जिस तरीके से मार रहे हैं ना, बचा तो मैं पाऊंगा नहीं, और मैं पिटते हुए तुझे देख नहीं सकता, मैंने मुंह ही घुमा लिया। अब ये पिट पुटा लिया आराम से, बाल सवारता हुआ आया, कह रहा यार विजय एक बात बता। कहता जिस लड़की के चक्कर में कुत्ते की तरह पिट रहा हूं, ये लड़की है कौन? मैंने कहा यहीं पढ़ती है वो, मेरे साथ ही ट्यूशन में। कहता क्या नाम है? मैंने नीलिमा।
कह रहा नीलिमा, कह रहा छोटी सी हाइट की है। मैंने कहा हाँ। कहता दबा दबा सा रंग है उसका। मैंने कहा हाँ। कहता विजय यार ये वो तो मेरी बहन है। मैंने कहा रामी ये बता गृह कलेश में मुझे किसने फंसवाया। कहता विजय तू पीछे हो जा, ये मेरी इज्जत पे बात आ गई है। मैंने पीछे क्या हो जाऊं, मैं आ ही कर रहा हूं। तू लाइन लाइट से निकले तो मैं आऊं ना, हर जगह तू पहले पहुंच जा रहा है। कहता अभी इसके घर जाएंगे और इसकी शिकायत करके आएंगे इसकी। कहता घर जाके बता के आएंगे इसको। कहता बैठ पीछे। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। कहता भाई चलना, काम नहीं आया तेरे? मैंने कहा अरे काम आया ये, ऐसे काम आते हैं। इसने बिठाया मेरे को पीछे बाइक पे और मुझे ले गया। और उसके बाहर खड़ा हो गया ना, चिल्ला रहा है, कहता है बाहर निकल, मेरी बहन को छेड़ता है। अब जैसे ही वो बोल रहा था ना, मेरी नज़र नंबर प्लेट पे पड़ी, नेम प्लेट पे, और वहाँ पर देखा मैंने पुलिस का साइन बना हुआ है। उसके पापा खाकी वर्दी में बाहर आए, मुझे देख के बोल रहे हैं, कह रहे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं अंकल, मैं तो नोट्स लेने आया हूँ। कहता तुम दोनों साथ हो? मैंने कहा हाँ। कहता एक ही बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? कहता अंदर आओ बैठ के बातें करते हैं आराम से। ये मुझे बोला, कह रहा देखा फटी ना। मैं तेरा कॉन्फिडेंस जा क्यों नहीं रहा भाई? मैंने कहा चलना है क्या अंदर? कहता क्यों नहीं जाएंगे भाई। अब अंदर गए, अब अंकल बैठे हुए। अंकल ने कहा बैठो। ये चारों तरफ देख रहा, कह रहा अंकल कुर्सी तो है नहीं। अंकल बोले बैठो। कह रहा वैसे मैं बिना कुर्सी के कभी बैठा तो नहीं हूं। कह रहा विजय बैठना। अब हम तीनों बैठे हुए, कुर्सी सिर्फ अंकल की गांड के नीचे, हम हवा में लटके हुए भाई। लेकिन इस लड़के का कॉन्फिडेंस नहीं टूट रहा, ये ऐसी पोज में भी ऐसे पैर रख रहा। साथ में चॉकलेट का बॉल पड़ा हुआ था, इसने बात करते करते ऐसे चॉकलेट उठा के मुंह में डाल रहा। इसने देखा अंकल घूर रहे हैं। कहता अंकल आप लाए हो, घूर रहे हो, समझ में आ रहा है। कह रहा आपका कुत्ता क्यों भौंक रहा है? कहता क्योंकि बेटा ये उसी के लिए लाया था मैं। जो तू खा रहा है वो चॉकलेट नहीं है, पेडिग्री है। कहता तू देख तो ले, क्या तू कुत्ते का खाना खा जाए वो भौंके भी ना। अब अंकल बोल रहे छोड़ो सारी बातें, ये बताओ व्हाट यू आर सेइंग। और भाई दिल्ली पुलिस के मुंह से इंग्लिश, मैंने जिंदगी में पहली बार, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती ना, हमें ऐसा लगा डेटॉल की बोतल से केचप बाहर आ गई हो। उनको बोल रहा, कह रहा अंकल सब छोड़ो, ये बताओ कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा लड़का ट्यूशन में जाके लड़ाई झगड़ा करता है तो आप क्या करोगे? कहता पहले तो जिससे लड़ाई झगड़ा करता है ना उसकी गांड तोड़ूंगा। कहता नहीं अंकल, हमारे साथ तो नॉर्मल डिस्कशन ही हुई थी। कहता इससे पूछ लो। मैंने कहा हाँ, डिस्कशन के निशान तो ये शरीर पे भी दिखा सकता है। मैं वहीं था। मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई जिस लिए आया, मैंने कहा बता ना कि भाई तेरी बहन को छेड़ता है वो। कहता छेड़ना नहीं बोलते उससे, प्यार करते हैं एक दूसरे को भाई। ऐसा बदलता हुआ आदमी नहीं देखा मैंने आज तक। मैंने तेरी गांड फट रही है ना। कह रहा गांड क्यों फटेगी भाई? कहता मेरे पापा भी पुलिस में है। मैंने कहा तो इतनी देर से क्या कर रहा है तू? मैंने कहा फ़ोन मिला, बात करा इनकी और उनको पता। तो कहता रुको अंकल, मैं ज़रा पापा को फ़ोन करके आपकी बात कराता हूँ। तो इसने मिलाया फ़ोन और अंकल को फ़ोन दे रहा है। कहता अच्छा। कहता हेलो। अब इस अंकल ने है ना सारी कहानी उसके बाप को बता दी। अब इसका बाप क्या कह रहा है उनको? कह रहा कौन है? कहता ये आपका लड़का है ना, इधर शिकायत लेके आया हुआ है। कहता इसके साथ में कौन है? कहता विजय। कहता इन दोनों ने ना नाक में दम कर रखा है, एक काम करो आप इनको मुर्गा बना के रखो। वो भाई अंकल के घर में दोनों मुर्गे बने हुए हैं। मैं उसको बोला, मैंने एक बात बता, तू और तेरा बाप मेरी मदद करना बंद करोगे?
मुझे कुछ नहीं जानना था, मुझे ये जानना था मैं घर कैसे निकलूं बस। अब हम मुर्गे बने हुए हैं। मैंने कहा देख मेरे पास एक आइडिया है, अब यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितना तूने फंसा दिया अब निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो फॉलो करियो। कहता ठीक है। कह रहा क्या है? मैंने देख सामने वाला गेट खुला हुआ है, ठीक है, अब है ना हम मुर्गे बने हुए हैं, तो जैसी अंकल किसी काम से निकलेंगे ना तो हमें ज़ोर से ना भागना है। कहता ठीक है। अब अंकल अंदर गए, मैंने कहा भाग, हम दोनों भागे हैं, मैंने देखा आगे जाके है ही नहीं पीछे। मैंने कहा गांड मरा बेंच, मैं तो भाग गया। अगले दिन मिला मुझे, मैंने कहा तू कहाँ रह गया था? कहता यार तू है ना आधी जानकारी देता है। मैंने बेंच पागल है क्या तू? मैं बोला तो था भागना है। कहता ये तो बताता कि खड़ा होके भागना है। कहता पता मुर्गा कितनी तेज भाग लेगा? ए चूतिए।